नमस्कार, गीतांश टीवी में आपका स्वागत है और आज मैं उपस्थित हूँ गढ़वा जिले के खजरी ब्रह्म स्थान धाम और आप सबको अवगत कराती हूँ यहाँ की कुछ गतिविधियों से और आप सभी को भी यहाँ का दर्शन कराती हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ का नज़ारा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये ब्रह्म स्थान का, ये खजरी ब्रह्म स्थान का ये मुख्य द्वार है और यहीं पे सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, कई राज्य के लोग आते हैं और यहाँ पे बाबा का दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और इसके थोड़ी सी दूरी पर ये आप जो देख रहे हैं यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञशाला है और इसके इर्द गिर्द भी हनुमान जी का भी मंदिर है और विवाह मंडप भी है। तो मैं वो सब भी आपको दिखाती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। तो आप देख रहे हैं यहाँ ब्रह्म स्थान से थोड़ी ही दूर पे यहाँ संकटमोचन हनुमान जी का मंदिर है। आप देख सकते हैं हनुमान जी लला का दर्शन कर सकते हैं आप। और आइए इनके बाद हम यहाँ के पुजारी से, यहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनसे यहाँ के बारे में कुछ जायजा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम नमस्कार। आप बताइए कि यहाँ के बारे में आप कुछ बताइए कि यहाँ इनकी प्रतिष्ठा कब हुई और यहाँ कब से पूजा प्रारंभ हुई। ये बाबा का 3100 साल हुआ जिसमें बाबा, इनका नाम वीरेंद्र दुबे हुआ और इनके भाई जो हुए वे हमारे लोग के पुरखा हुए, उन्हीं के वंशज हम लोग हुए। और इनका पूजा पाठ बोले कि मृत्यु से पहले बोले कि नहीं, हमारे यहाँ पूजा पाठ हम लोग किए, हमारे खानदान के तो लोग हो और सुबह शाम आरती भोग प्रसाद का पूजा करना। और इससे पहले हमारे पुरखा बहुत से पहले से आते हुए आ रहे हैं, कितने पुरखा लोग गुजर गए उस पर जैसे पहले से आ रहे हैं उसी तरह से हम लोग भी इनको निभाते हुए आ रहे हैं। यानी कि यहाँ के जो पुजारी हुए वो उनके वंशज हुए, ऐसा कुछ? हाँ, उन्हीं का भाई का वंशज हुए हम लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें यहाँ ब्रह्म स्थान के बारे में इन्होंने जो हमें जानकारी दी। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ विवाह मंडप भी है, चलते हैं उसकी तरफ। और आप यहाँ देख रहे हैं ब्रह्म बाबा के परिसर में ही है विवाह मंडप, जहाँ पर हर वर्ष बल्कि हर माह लगभग 50 जोड़े दूल्हा दुल्हन के हाथ पीले किए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये विवाह मंडप परिसर को। और यहाँ पे वर वधु के लिए अलग अलग कक्ष भी हैं जहाँ पे वे लोग तैयार होते हैं। और आगे हम आपको मिलाते हैं भगवान भोलेनाथ से, जो कि भगवान भोलेनाथ को अग्रणी पूजा का अधिकार दिया गया है। सर्वप्रथम कहीं भी किसी भी यज्ञ पूजा जो भी हो, सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। और अभी आप देख रहे हैं मंदिर में पुजारी के द्वारा जो संध्याकालीन जो आरती है, संध्या आरती है, वो प्रारंभ हो चुकी है। तो आइए हम सब भी दर्शन करते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे नंदी महाराज विराजमान है और आगे में आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की आरती हो रही है, पूजा हो रही है। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना को पूर्ण करें, सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ। तो आप सभी ने अभी देखा पावन धाम ब्रह्म बाबा का नज़ारा और यहाँ का आपने भी दर्शन किया, हमने भी दर्शन किया और बहुत सारा आशीर्वाद भी पाया। आशीर्वाद पाया तभी तो आप सबसे रूबरू हो पाए। और इसी तरह के खबरों से रूबरू होते रहने के लिए देखते रहिए गीतांश टीवी। और तब तक के लिए दीजिए वंदना को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। विवाह की शुभ मुहूर्त पर इलेक्ट्रॉनिक्स के होलसेल बाजार में अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम कचहरी रोड गढ़वा लेकर आया है अनोखा ऑफर। ऑफर का नाम है एक सम्मान नारी शक्ति के नाम पर मात्र 51,000 रुपए में शादी का सारा सामान घर ले जाएं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अलका इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम कचहरी रोड गढ़वा।